बांदा जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने निर्देश जारी किया कि स्वायत्त टीम के साथ कटरा बाजार थाना के अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया जाए। इसी के मद्देनजर 8,000 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार ने मचवा चौराहे से 3 वाहन चोरों को चोरी की 2 अदर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। जिनसे पूछताछ करने पर अभियुक्त कड़ू ने बताया कि तीनों मिलकर जनपद गोंडा व आसपास के विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चुराया करते थे और नंबर प्लेट बदल कर ग्राहकों को बेच दिया करते थे। सरिया थाना कटरा बाजार व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 3 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर इसमें? पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, प्रभावी नियंत्रण करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और कटरा बाजार पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर 3 चोरी के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8,000 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उपयुक्त धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि आसपास के जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।